अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए विद मोहसिन खान विद मी। मोहसिन इज हैविंग हिज कप ऑफ टी, द इवनिंग कप ऑफ टी। कैसे हैं आप? द इवनिंग कप ऑफ कॉफी। ओह यस, कॉफी, सॉरी, आई एम द टी टोटलर। मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू वेरी मच। और आपको और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड नाज़रीन, आज रेस्ट डे है PSL 2020 में, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी रेस्टिंग डे स्पेशली फॉर सरफराज अहमद, क्योंकि आज PCB ने एक जवाब दिया है सरफराज अहमद को इनडायरेक्टली, जो कि सरफराज अहमद ने कुछ दिन पहले, बल्कि एक या दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में एक बात कही थी। आइए पैकेज देखते हैं, आपको सारी बात खुद पता चल जाएगी। बयान जारी करने से इवेंट की साख मुतासिर हुई। इवेंट बदनाम हुआ। मोहसिन, हाउ डू यू रीड द सिचुएशन? क्या सरफराज अहमद, एक तो उसने एक सवाल के जवाब में बोला, उसने आके अनाउंसमेंट नहीं की, उससे एक सवाल पूछा गया, उसने जवाब दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, दैट मीन्स साहबी को भी कहीं से खबर मिली थी और हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं और रिपोर्ट दर्ज करा दी। आज वसीम खान कहता है कि मैच रेफरी को कोई रिपोर्ट नहीं दी, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसे पैकेज में भी वो कह रहे हैं कि 24 आवर्स का टाइम होता है, 48 आवर्स। अब मेरे ख्याल से सरफराज, जितना मैं उसको जानता हूँ, कोई भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना ऐसी बात नहीं करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो भी ऑफिशियल। और उसको कहा गया होगा मैनेजर की तरफ से, नदीम उमर इस फ्रेंचाइज के ओनर हैं, बड़े सेंसिबल आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनके जो मैनेजर भी हैं, आई थिंक आज़म खान है शायद, वो नॉट प्लेयर आज़म खान, हाँ। दूसरे हैं, तो जो भी है बारल मैनेजमेंट। तो मैं अब समझता हूँ कि जब ऐसी स्टेटमेंट वसीम खान की तरफ से आई है कि 48 आवर्स में रोशन महानामा को जो मैच रेफरी, उनको नहीं मिली कोई रिपोर्ट, तो फौरन इधर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसको रिएक्ट करता। इसी कहते कि सरफराज इज़ ऑलरेडी इन अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन द सेंस मेंटल प्रॉब्लम, टीम से वो हट गया है, पाकिस्तान टीम से, कप्तानी से वो हट गया है, टीम से हट गया है, कप्तानी से छोड़े टीम से हट गया है, तो वो बेचारा परेशान होगा। उसके ऊपर और वो करने का, तो मैनेजमेंट को मैं समझता हूँ या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को बहुत मतलब नॉट स्ट्रांगली बट वेरी फर्मली रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं जी, बिल्कुल 48 आवर्स में ये रिपोर्ट गई थी। और अगर 48 आवर्स में नहीं गई शोएब, ठीक है, जो कि रूल्स हैं, तो फिर गलती मैनेजमेंट की होगी कि सरफराज को कहा होगा कि भाई हम भेज रहे हैं, और शायद डिले हुआ, शायद कह रहा हूँ मैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना वसीम खान को कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स पुट इट लाइक दैट, द बेस्ट आंसर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट शोएब इज फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो कप्तान को भी डिफेंड करें और क्रिकेट बोर्ड को भी डिफेंड करें कि कोई जो गलतफहमी खुदा नखास्ता पैदा हुई है। बिकॉज इसका सबसे बड़ा नुकसान ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इतना पहुंचेगा, ना PSL को बहुत बड़ा नुकसान, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। बिकॉज हम जैसे कल भी हम बात करते रहे, रोज़ ये बात करते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी तरह ये टूर्नामेंट हो, इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर पाकिस्तान के PSL पूरा पाकिस्तान में हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। आई टेल यू व्हाट, अभी तक जितना देखा गया, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि एंड तक PSL बहुत ज़बरदस्त, बल्कि ये ऐसा टूर्नामेंट होगा कि जो दुनिया की टॉप लेवल पे आके बात कर सकेंगे। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए, सरफराज अहमद एक बहुत जिम्मेदार आदमी है, पाकिस्तान का कप्तान रहा है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 4 साल से कप्तान है, और उसने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उसको भी कोई 48 आवर्स गुजर गया, ठीक है, क्वेटा ग्लैडिएटर से कोई डिनाइल नहीं आया कि नहीं, जो सरफराज अहमद ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है, दैट मींस कि ये हुआ है, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि PCB ने ये कहा, क्वेटा ग्लैडिएटर से शायद ये कहा होगा कि इस मामले को दबाओ, क्योंकि PSL की बदनामी है और शायद उसमें कोई फॉरेन प्लेयर इन्वॉल्व हो, शायद कोई फॉरेन बॉलर के ऊपर बात आई हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम समझो हमने रिसीव नहीं की, समझो तुमने भेजी नहीं, हम एक स्टेटमेंट देंगे, तुम इसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देना, ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। नहीं, मौत तो आप खुद, जब ये मरेगा ये मामला, कि जब PCB की तरफ से इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं आएगा, वो ये कह रहे हैं कि इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देना, इस वजह से कि PCB तो ये चाहेगा ये कहना कि ये हुआ ही नहीं, दैट नो बॉल टेम्परिंग टुक प्लेस, चाहे उसकी कॉस्ट सरफराज अहमद की क्रेडिबिलिटी हो जाए,
और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी समझाया होगा कि आप इस पर जवाब ना दीजिएगा। अगर देखें कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट से कोई जवाब आता है फिर तो ये बात है कि दे आर नॉट ऑन बोर्ड, लेकिन अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस पर चुप बैठी रहती है दैट मीन्स कि ये इशू को दोनों तरफ से बरी किया जा रहा है, पीएसएल की बदनामी नहीं होगी। क्योंकि आप देखें कि जब से पीएसएल शुरू हुआ है, बल्कि पहले से, कभी उमर अकमल की वो आ गई कि उसको पहले दिन पीसीबी ने बड़े हाई प्रोफाइल तरीके से बैन कर दिया और मैच फिक्सिंग का इशू सामने ले आए, तो ये पीसीबी से मिसमैनेजमेंट तो हो रही है, मिसमैनेजमेंट ऑफ द इश्यूज हो रही है। बट सेब, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, ऑनेस्टली मैं उस डिसीजन के बहुत फेवर में हूँ कि इससे पहले कि बात आगे जाए कि देखिए अगर बात छुपाई जाती ना उमर अकमल की, तो उमर अकमल की बात ज़रूर कहीं ना कहीं से निकल जानी थी, बिकॉज लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो ज़बरदस्ती कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करें। पहले दिन तो नहीं निकलती नहीं, तो पहले दिन देखिए ना, अब ये भी तो अच्छा हुआ कि पहले दिन मैच शुरू होने से पहले एक बात क्लियर हो गई। और हुआ क्या कि नेक्स्ट डे डॉन की जो मेन हेडलाइन थी वो ये थी कि उमर अकमल बैंड फ्रॉम पीएसएल, और जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो 8 कॉलम की एक सिंगल लाइन थी और ये थी, और यही सारे अखबारों की स्टोरी थी। तो पीएसएल जो पीसीबी ने ये स्टेटमेंट दिया 3 रोज बाद दे देते, पहले दिन उसको बिठा देते खामोशी से। देखिए आज उन्होंने, मुझे लगता है यही किया है, इन्होंने कहा इस इशू को बरी करो, इस इशू को बरी करो क्योंकि इसमें पीएसएल की बदनामी है। क्या पता जो फॉरेन प्लेयर, फॉरेन बॉलर अगर कोई था इसमें इन्वॉल्व तो वो प्रोटेस्ट करेगा कि आपने मेरा नाम खराब किया, फिर मैं वापस जा रहा हूँ इससे पहले कि मेरी रेपुटेशन खराब हो, बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे। तो इन्होंने, मुझे लगता है, इसको दबाया है और ये तरीका है इस इशू को खत्म करने का। दैट्स माय व्यू पॉइंट। हाँ ठीक है, आपका व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये कि मैं अगर दबाने का मैं समझता हूँ मामला था तो कोई स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से नहीं आती, बॉम्बे को होता, देखा जाएगा, हम देख रहे हैं इनटू द मैटर। और देखिए एक बात मैं आपसे और कहूँ कि अगर कोई फॉरेन प्लेयर भी है, अगर बॉल टेम्परिंग हुई है, अगर, मैं कहता हूँ पहली बात तो हुई नहीं होगी, अगर हुई है ही शुड बी कॉट स्ट्रेट अवे। देखिए मैं एक बात आपसे कहूँ, सेब, दुनिया में कानून क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि जुर्म रोज होते हैं, कि और सबसे जो बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ एज ए इंसान या एज ए सिटीजन ऑफ माई कंट्री पाकिस्तान, ब्यूटिफुल कंट्री पाकिस्तान, कि अगर मुझे पता हो मेरे मुल्क में गलत काम होता है लेकिन उसकी पकड़ है, उसकी फौरन पकड़ हो जाती है। आज इमरान खान जिस नारे पे आया है इसी वजह से कि मैं इंसाफ करूंगा, मैं करप्शन को ख़त्म करूंगा, यानी कि पकड़ होगी, ठीक है। अब इसके लिए लोग खुश होते हैं, इसी के वे सपोर्ट किया उसको कि ठीक है हमारे यहाँ से करप्शन ख़त्म हो। तो अगर होती है, गलतियाँ होती हैं, जुर्म होते हैं, कानून हर दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, बल्कि जितने ग्रेट मुल्क हैं, बड़े मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग कानून वहाँ पे और अच्छे, प्रेसिडेंट तक को नहीं छोड़ते वो पर। दैट्स अ गुड पॉइंट, मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा, चाहे पाकिस्तानी बॉलर है चाहे फॉरेन बॉलर है, we should be bold enough to take action when it is required. Nazreen, hum chalte hain ek break ki taraf, break se wapas aayenge, there's a lot more to discuss. Matches aaj nahi hue lekin points table hai, top batsmen hain, top bowlers hain abhi tak, un pe bhi nazar dalenge. Stay with us. Aapne package dekha, teams ki standing dekhi, main Mohsin se ye puchunga, ye Lahore Qalandar ki kismat kharab hai ya jab ye aate hain to ye they just cannot focus on getting a win. हाँ बिल्कुल, आप किस्मत का भी हाथ है क्रिकेट में। आई टेल यू व्हाट, लोग शायद इस बात पे यकीन ना करें, लेकिन क्रिकेट, बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया के हर पहलू में अल्लाह का हाथ होता है, बिकॉज हमें नहीं पता होता आगे क्या आने वाला होता है, तो किस्मत डेफिनेटली फेवर करती है। यहाँ तो लग रहा है कि सबको पता है आगे क्या आने वाला है लाहौर कलंदर के लिए, 4 PSLs में बॉटम आए अभी भी दोनों मैचेस हार गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब लोगों को यकीन आ गया है, और इंक्लूडिंग लाहौर कलंदर्स देमसेल्व्स, कि हमने बॉटम पे आना है। नहीं, और देखिए अगर कल का मैच देखा जाए तो एक तरह से जीता हुआ मैच वो हार गए, और कौन स्कोर कर गया आखिर में, एक टेल एंडर जाके मूसा खान ने जाके उनको मैच जिता दिया। तो आई मीन इसको बैड लक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें उससे क्रेडिट नहीं लेना चाहिए जिसने मैच जिताया है। आई मीन वहां पे जो कल पार्टनरशिप थी मूसा की और सैफ की, नहीं, जो बीच में जो पार्टनरशिप लगी थी, जो जो बैट्समैन थे दो, हाँ, एक तो शादाब की लगी थी, शादाब ने 50 किए, जी हाँ, शादाब जबरदस्त खेला था, और उसके साथ एक दूसरा बैट्समैन था, और फिर आखिर में जो आके इन्होंने, बिल्कुल देखिए T20 का वो ही है सोएब, मैं हमेशा आपसे बात कह रहा हूँ, ऑनेस्टली आपको अगर लास्ट ओवर में जाके 40-50 रन करने हो तो
तो आप कह सकते हैं कि यार गई टीम, ये एक ओवर में नहीं होता। बिलीव मी और नॉट, अगर 20 से 25 रन भी लास्ट ओवर में होते हैं तो वो हो सकते हैं। यू नेवर नो, किसी की हिटिंग इतनी काम आ जाती है, और हो चुका है ये पास में, हो चुका है कि आखिर के ओवर में पता लगा 22 रन हो गए, 26 रन हो गए, और 6-6 36 होता है अगर आप इसको देखें उठा के। अगर लेकिन युवराज सिंह ने क्रिस ब्रॉड को मारे ही है 36 रन मारे हैं 60s में, गैरी सोबर्स ने एक ओवर में 6 छक्के मारे। और मैं इसी नहीं कहता हूं कि वो कहते हैं ना कि आखिरी बॉल तक खेल खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए, तो यही क्रिकेट और खासतौर पर 2020 इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि आखिर में जाके, अब मैं कह रहा हूँ कल जो वो सोच रहे होंगे कि मूसा खान और जब दूसरा टेल अंडर के भाई मैच तो अब गया, इनके हाथ तो हमारे पास आ गया, सडनली मूसा खान ने मैच। यू थिंक कॉम्प्लेसेंसी कुड बी अ प्रॉब्लम? लाहौर जरा कॉम्प्लेसेंट हो गए, कप्तानी की भी जरा सी इमेच्योरिटी थी, सोहेल अख्तर इतना एक्सपीरियंस कप्तान तो नहीं है। नहीं, कप्तानी की इमेच्योरिटी तो डेफिनेटली थी, बिकॉज सर्टन फ्यू चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस जो थे वो बिल्कुल सही नहीं थे और वो चीज ने उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप जबरदस्ती एक को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, टीम मैनेजमेंट भी होती है। और मैं आपको एक और बात, और हफीज जैसा प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे वहां समझाने वाले ग्राउंड में, और शोएब, मैं आपको ऑनेस्टली शोएब कह रहा हूं कि जब टीम मैनेजमेंट बैठी होती है तो मैसेज इतना धड़ाधड़ पास होते हैं। यही तो काम होता है जो कोचिंग डिपार्टमेंट बैठा होता है, एक सेकंड में मैसेज पहुंचता है अंदर, कैसे, थर्ड मैन के फील्डर के जरिए, किसी बाहरी पानी के जरिए चेंज करने लगे। शायद तो एक आदमी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि मिस्टेक्स थी वहां पे। अब क्वेटा ये सॉरी लॉल करंदर नीचे है, लेकिन जो हम टेबल देख रहे थे उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक टीम क्वालिफाइंग राउंड्स में कितने मैचेस खेल रही है, नौ खेल रही है, फाइव जितनी टीम है उससे एक माइनस कर दें जी, तो 10 मैचेस हो गए, 10 मैचेस, हर टीम 10 मैचेस खेलेगी। तो अभी तक देखिए दो टीम के 3 मैचेस हुए, अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, और सबके दो दो, यानी देखा जाए तो लाहौर कलंदर के अलावा अब कोई, किसी के 2 मैच हुए तो 1 जीता 1 हारा है, जी। किसी के 3 हुए तो 2 जीता 1 हारा है। तो नो डाउट अभी इस्लामाबाद और वो दो दूसरी जो है क्वेटा प्रेडेटर्स टॉप पे हैं, लेकिन आई थिंक 4-5 मैच के बाद हमारे सामने एक पिक्चर आएगी कि भाई क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा कि शुरू के 5 मैचेस में जिस टीम ने लेट्स से 4 मैच 5 में से जीत लिए उसको बहुत बड़ा एडवांटेज, आगे अगर कोई लॉस होता है तो वो कवर अप हो जाएगा। और That's a good point कि अभी you know काफी टाइम बाकी है नाज़रीन, कुछ बैट्समैन कुछ बॉलर्स पहले राउंड में छा गए, आइए लेट्स हैव अ लुक एट द टॉप 3 बैट्समैन ऑफ PSL सो फार। बिल्कुल आपने पैकेज देखा, जरा बॉलर्स पे पहले आ जाते हैं, इज इट अ कोइंसिडेंस कि तीनों टॉप 3 बॉलर्स जो हैं वो फास्ट बॉलर्स हैं, ओपनिंग बॉलर्स हैं? आप सही कह रहे हैं, और एक्चुअली और देखा जाए तो अभी तक स्पिनर्स ने कोई कमाल नहीं दिखाया है, पाकिस्तानी पिचेस आर नोन टू हेल्प स्पिन। लेकिन आई थिंक मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची हो, लाहौर हो, इवन मुल्तान आई एम श्योर, और पिंडी भी अगर मैच होगा, ब्यूटीफुल बैटिंग विकेट बनेंगे, और 2020 40 ओवर में पिच खराब नहीं होती, अंटे अंडे कोई कमाल का चीज, जैसे लेग स्पिनर एक प्रॉब्लम दे सकता है, इस्माइल ताहिर की देखिए उस दिन, वो इमरान ताहिर की कितनी ठीक ठाक उन्होंने ओवर में 20-22 रन कर दिए, शादाब भी बैक इन फॉर्म आ गया, 2 विकेटें फॉर 20, बहुत अच्छा था। जब द मोर द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, जितना बढ़ेगा ना आप देखेंगे सडनली टूर्नामेंट में चेंजेस आती जाएंगी। बट आर यू इंप्रेस्ड विद द 3 टॉप प्लेयर्स? आई एम, हसनैन के लिए मुझे बहुत खुशी है, मूसा के लिए मुझे बहुत खुशी है, और जो शाहीन अफरीदी तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप में एस्टैब्लिश हो ही चुका है, शाहीन ने प्रूव कर दिया अपने आप को। और मैं ऑनेस्टली चाह भी ये रहा हूँ कि बाहर के प्लेयर्स आके नो डाउट वो अच्छा करेंगे, अच्छा करना भी चाहिए, एक्सपीरियंस है उनको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऑनेस्टली शोएब कि आप हमारे यंग बैट्समैन, कामरान ने 100 किए, ओके फाइन ठीक है, इट्स प्रूवन, कि हफीज ने 100 किए, प्रूवन आदमी है, उसने अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है। मैं चाह रहा हूँ 2-3, कम से कम 2-3 यंग बैट्समैन और यंग फास्ट बॉलर्स हमको अगर नजर आए। नसीम शाह मुझे, हालांकि वो खेल चुका है पहले और 4 विकेट भी नहीं उसने, हाँ 4 है, लेकिन आई टेल यू व्हाट, मुझे उसमें बड़ा पोटेंशियल नजर आया है, मूसा खान भी बड़ा अच्छा लड़का है। अब बात सारी ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ ऑनेस्टली कि बाय द एंड ऑफ PSL पाकिस्तान को कम से कम 2-3 बैट्समैन यंग, नए लड़के और फास्ट बॉलर। अच्छा, आपने जो बात की व्हेन इट कम टू द 3 बैट्समैन, कामरान अकमल एंड हफीज, 38, 39 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड, और एक डेविड मलान है, आपको यंग
बैट्समैन नहीं नजर आए, लेकिन हैविंग सेड दैट वो इक्का दुक्का रन से रह गए होंगे, बिकॉज देखिए ना आजम खान ने एक 55 किए और एक 46 किए, इज ऑलमोस्ट देयर। बाबर आजम ने एक मैच में 78 किए, इज ऑलमोस्ट देयर। मैं उसी बात पे आने लगा था, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आजम खान ने इम्प्रेस किया, उसने एक 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 लाहौर पंजाब का एक टीम इस्लामाबाद या लाहौर का एक लगा जिसने 50 किया था, कल नहीं परसों एक, एक तो जीशान मवशे ने भी किया है, मुल्तान 50, हाँ, शायद हाँ, उसने अच्छी 50 किया, वो लड़का भी अच्छा लगा। तो अब जैसे आजम खान है, ये दूसरा ये जीशान की आप नाम ले रहे हैं, अगर हम सही नाम ले रहे हैं, वो जीशान मवशे नाराज ना हो जाए हमसे कि हमने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन जिसने 50 किया था और वो जो आगे खेला बड़ा अच्छा खेला था उसने, तो ये चाहिए हमें कि ये तो हैं, हमें पता है कामरान क्या है, हमें पता है हफीज क्या है, हमें चाहिए कुछ नया ब्लड कि जो आगे फ्यूचर नजर आए। भला 2020 देखिए, 2020 से एक फायदा जरूर होता है, मैं नहीं कहता हूँ कि इनको टेस्ट प्लेयर के लिए तैयार, लेकिन एक झलक नजर आती है कि इसमें पोटेंशियल है, इस बैट्समैन में पोटेंशियल है, इस बॉलर में पोटेंशियल है, अब इसको बनाओ, तो ये चीज नजर आ जाए। बिल्कुल, और ये चीज नजर आ रही है। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते रहे, जो कि व्यूअरशिप बता रही है आप देखते रहे, तो मोहसिन हैज बीन टॉकिंग अबाउट दिस यंग टैलेंट एंड आइडेंटिफाइंग इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिसको आगे ग्रूम करना चाहिए। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक विद अ लॉट मोर क्वेश्चंस फॉर मोहसिन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, PSL 2020। नाज़रीन, वी गॉट थ्री वेरी इंटरेस्टिंग पैकेजेस फॉर यू। सबसे पहले देखते हैं विकेट्स ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेरी मिल्क। विकेट की खुश, राइट, व्हाट अ विक्ट्री इंडीड दैट वाज बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपको नेशनल ड्रेस में देख के मुल्क के बारे में सवाल करने को दिल चाह रहा है। हाजिर हूं। ये बताइए, PSL सो फार ये मुल्क को क्या देके जाएगा? What is it that PSL's greatest contribution is to Pakistan? आपको याद होगा कि सोहेब, मैंने आई थिंक कल या परसों एक बात कही थी कि हमें अभी कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो हमको कमाल की देखे जा रहा है PSL, बिकॉज अब ये 2020 लीग जो हर मुल्क कराता है वो बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ये एजाज़ ये मिल रहा है कि PSL पूरी पाकिस्तान में हो रही है, जो कि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी, हम सब की, जितने भी आपकी भी ख्वाहिश थी। मैं उस वक्त से इस बात को चिल्ला रहा था कि मैं उस दिन मानूंगा जब PSL पूरी पाकिस्तान में होगी। पिछली दफ़ा आधी हुई, इस दफ़ा पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से, देखिए दुआएँ बहुत ज़रूरी हैं कि अल्लाह ताला रहम करम फरमाए, सब कुछ खैरियत से हो। एक तो ये चीज़ आएगी कि पाकिस्तान में जब पूरी PSL इंशाअल्लाह कंप्लीट होगी, और प्लीज़ दुआएं करें, बड़े बोल मत बोलें, तो ऐसे हमें डाउन टू अर्थ, और अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है, वो चीज़ पसंद है जो अल्लाह ताला के सामने झुक के मांगते रहते हैं। तो एक तो जब ये कंप्लीट होगी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए कि एक PSL पूरी पाकिस्तान में हुई। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का जो बिल्कुल फाका हो गया था क्रिकेटर्स के आने का, अब देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स आए हैं, अभी कुछ रहते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त हो कि लोग रिक्वेस्ट करें कि हमको या हमको PSL में बुलाओ। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा हो रहा है। फिर दूसरा फ़ायदा जो मैं अभी तक देख रहा हूँ, जिस पर हम बात कर रहे थे, कि मैं चाह रहा हूँ यंगस्टर या बैट्समैन बॉलर्स ये सारे निकलें, अभी तक हमें दो तीन नज़र आए, कोई आउटस्टैंडिंग फील्डर्स हमें निकलें, और इंशाल्लाह पूरी जब ये PSL कंप्लीट होगी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो हमें मिलेगा इस क्रिकेट से, एक तो देखिए ये मिल जाएगी पूरा PSL पाकिस्तान में ज़बरदस्त हाई लेवल पे हर तरीके से। मैंने सुना है अभी तक अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे हर शहर में, पूरे पूरे पाकिस्तान में। और देखिए, क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है सोहेब, कराची पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक कौन क्रिकेट को पसंद नहीं करता? बच्चा, जवान, बुज़ुर्ग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर कोई क्रिकेट के दीवाने। तो एक तो ये बड़ा बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज लोगों को यहाँ फाखा हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो PSL के होने की वजह से, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के आने की वजह से अब इंटरनेशनल टीम्स भी आना शुरू होंगे। अब ये जो श्रीलंका और बांग्लादेश बी क्लास टीम्स आई थी, मैं चाहता हूँ टॉप क्लास टीम्स आएँ। बल्कि आपकी बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज सोशल मीडिया पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है PSL के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, और आई थिंक हम एज अ पाकिस्तानी वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। यार छोटी मोटी गलतियाँ हर जगह होती हैं, इस दफा ना चाहो, बिकॉज
फिर बाकी जो हाँ। जो खुश नहीं है कि पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है वो इन चीजों को उठा के प्रोपेगेट करेंगे। बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए छोटी मोटी गलतियां हर किसी से हो जाती है, उसको इग्नोर करें। हाँ, कोई ब्लंडर ना हो, ये मेरी पूरी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला, पीसीबी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इंशाल्लाह पूरी मेहनत से करेगा, लेकिन छोटी मोटी गलतियों को अगर हम लोग आप और हम पकड़ेंगे तो ज्यादती करेंगे। इसलिए दुनिया में हर जगह ये होती है प्रॉब्लम, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में होती हैं जो इतने डेवलप्ड नेशन है, साउथ अफ्रीका में होती है, न्यूजीलैंड में होती है। तो खैर इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील जब ये पीएसएल कामयाबी से ख़त्म होगी तो हमको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का यहाँ आना, उनका आके यहाँ बहुत, और अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स आए हैं बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं हर चीज़ की, हॉस्पिटैलिटी के लिए। हॉस्पिटैलिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। अच्छा, लोकल इकोनॉमी कितनी बेनिफिट करेगी, आपके लोकल होटल्स, आपके लोकल शॉप्स जहाँ पर क्रिकेटर्स शॉपिंग करेंगे? बिल्कुल, और भी इवन बाहर से कुछ लोग आएंगे मैचेस देखने के लिए, अब आके डॉलर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे और यहाँ आके ठहरेंगे, होटल में देखेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, पाकिस्तान का कल्चर ऊपर जाएगा और हर तरह से देखिए फ़ायदा है क्रिकेट के साथ साथ। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी तरह ये कम्प्लीट हो, और जो फिर मैं फाइनल बात कह के जाऊँगा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पीएसएल से इंटरनेशनल प्लेयर अच्छा खेलें, तीन चार हमको अच्छे बैट्समैन और बॉलर्स और अच्छे मिल जाएं जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए फायदा हो। अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स, यही सक्सेस होगी। और जाया बदले जब यंगस्टर्स पाकिस्तान में खेलेंगे तो रोज शाम को जाके थैंक यू। फील्डिंग, हमें फील्डर्स अच्छे चाहिए, बिकॉज फील्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। अब यंग लड़कों को खासतौर पर शो कर डाइव मार रहे हैं, गिर रहे हैं, इससे एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है क्रिकेट को। हाँ, राइट, दैट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज टू लीव द प्रोग्राम ऑन। मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, कल भी रेस्ट डे, लेकिन कल भी हमारा प्रोग्राम 11 से 12 होगा। वी विल टॉक सम मोर अदर ऑफ द फील्ड कन्वर्सेशंस आल्सो। मोहसिन की प्रेजेंस से फायदा उठाएंगे, इनकी मेमोरी से फायदा उठाएंगे। सो जॉइन अस टुमारो नाइट 11 PM। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।